सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हो सारे? मैं तो काफी ज्यादा अच्छा हूँ, जो करता हूँ अभी काफी ज्यादा अच्छे हो गए। फिलहाल बज रहे हैं यार लगभग 7:30 ही बज रहे हैं, स्कूल का हो गया है टाइम, पूजा मैंने कर ली है, टीका आपको दिख ही रहा होगा, नहा धो के बिल्कुल रेडी हूँ मैं। ये देखो कान्हा जी और राधे रानी, देखो भाई आज कितनी अलग सी लग रही है, सुंदर सी लग रही है, और यहाँ की भी पूजा हो गई है। और भाई मैं शुरुआत स्टार्टिंग कर देता हूँ व्लॉग के स्कूल जाने से पहले, क्योंकि इनमें से कोई भी व्लॉग नहीं बनाता। और ये देखो पुंप यहाँ बैठा, देखो ये चेहरा गाइस व्लॉग नहीं बनाता जब मैं स्कूल चला जाता हूँ, सारा व्लॉग बनाने का जिम्मा मेरे ऊपर है, हम नहीं बोलेंगे। देखो गाइस ये, हाँ तो व्लॉग भी तो एक काम ही है हमारा। और भाई यहाँ पे मम्मी बना रही है चाय, देखो गाइस चाय पी लो सुबह सुबह। और कौन सा कप है सुबह का? ये दूसरा पक्का? फिलहाल अभी मैं स्कूल से आ गया था बहुत पहले, स्कूल से आके खाना खाया, फिर दो घंटे नहीं एक घंटा मैं सो गया। फिर यार इन्होंने एक घंटे में ही उठा दिया मुझे कि चाय दे के आनी है। ध्यान से देखिए इस चेहरे को, हाँ इतने मिस हो करते। एक तो कल पूरी रात पता नहीं नींद बीच बीच में टूटती रही, पता नहीं क्या हुआ ऐसा। और फिर भी मम्मी आपने सोन नहीं दिया, लेकिन भाई देखो आज कुछ इतना काम हो गया है, थोड़ी सी बाउंड्री और एक एक ईंट सभी उस पर बिछा दिया है, पूरे स्क्वायर बना दिया है एक एक ईंटों का। तो और आज भी ये देखो मम्मी के पिलर भर रहे हैं सारे ये। तो भैया कह रहे हैं, सोच रहे हैं कि गर्मियों का काम तो उसे जल्दी से जल्दी कर देते हैं। तो एक पिलर ये भर गया, देखो एक पिलर वो भर गया, एक पिलर ये भर गया, एक पिलर ये भर गया। तो सामान भी भैया ने यहीं पे मंगवा लिया, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ का यहीं बनता रहेगा तो नीचे रस्ते लाने की जरूरत नहीं होगी। तो हाँ भाई बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा। देखो ये हैं उस्ताद जी, इन सब के ये ऊपर खड़े हैं जब ये। फिलहाल मैं और मम्मी आ गए हैं दूध लेने के लिए, और यहाँ पे देखो हमने दूध लगा रखा है भाई, बहुत अच्छा दूध है और टाइमिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और इंजेक्शन भी लगाते हैं ना मम्मी अंकल, तो अच्छा है भाई। कुछ लोगों को ये लगता है ना कि अगर वो नहीं करेंगे कुछ भी तो दुनिया नहीं चलेगी, तो ऐसा नहीं है भाई, दुनिया चलती है, रुकती नहीं है। तो भाई फिलहाल अभी मैं आ गया हूँ जिम से, दूध लेके भी आ गए थे, फिर मैं चला गया था जिम। अभी फिलहाल यार मैं नहा धो के रेडी होके मंदिर चला गया था, आपको चेहरे पे तिलक दिख ही रहा होगा क्योंकि आज है मंगलवार। फिलहाल मैं करूँगा भाई अपना काम, मैं मंडे को स्कूल नहीं गया था भाई, तो उसका मेरा 2-3 पेज का काम ले रहा है, वो कर लेते हैं, फिर थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लेंगे। बस भाई टीवी चला दिया मैंने, टीवी में थोड़े बहुत गाने सुन लूँगा मैं, गाने सुनते सुनते अपना काम कर लूँगा, फिर खाना खाऊँगा, सो जाऊँगा, फिर स्कूल जाऊँगा, फिर वही रोटेशन चलेगा भाई, यही है भाई चलते का नाम जिंदगी हो रखा है। तो काम करते हैं भाई अपना। तो भाई ये काम हो चुका है कंप्लीट, और फिलहाल मैंने खाना तो खाया नहीं है रात का, क्योंकि यार मैं लीनिंग पे हूँ ना, वेट कम कर रहा हूँ, तो इसलिए खाना नहीं खाया, बस दूध पी लूँगा। तो भाई फिलहाल मैं देख रहा था अभी पारस टकराल भैया की वीडियो, जिसमें वो लैम्बोर्गिनी की कोई उर्स वगैरह कार होती है उसे देखने के लिए गई हैं। तो यार कभी कभी मेरा मन करता है कि व्लॉग आज नहीं आएगा ऐसे, जैसे पहले इस हफ्ते में बिल्कुल रेगुलर रहा हूँ, पिछले हफ्ते यार मैं रेगुलर नहीं था, तो ऐसे मन हो जाता है कभी कभी, चलो आज रहने देते हैं, आज कुछ बना नहीं है तो कल डाल देंगे। लेकिन जब भाई ऐसी चीज़ें देख लेते हो ना, तो एक अंदर से इंस्पिरेशन आती है कि नहीं जब वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, और मेहनत करेंगे तो उस मुकाम तक पहुँच जाएंगे। क्योंकि भाई देखो सबका मन करता है अच्छी लाइफ जीने का ना, मैं सही कह रहा हूँ भाई, इस लैम्बोर्गिनी में बैठने का सबका मन करता होगा भाई। आज फिलहाल मम्मी ने पोम्पू का एक खटोला है ये भी बुनवा दिया है, पर भाई पोम्पू देखो खटोला बुन गया है, अब खटोले पे सोना चाहिए। तो देखो भाई ये यहाँ पे सो रहा है भाई, और देखो ये या तो बेड पे सोता है या खटोले पे सोता, तो है ही नहीं खटोले पे, पर सोने लगेगा भाई, इतना आपके तो डबल भरवाया मम्मी ने, तो कितने रुपये लगे मम्मी इसमें? ऐसे ही नीचे भाई, ऐसे ही ऊपर है, और काफ़ी ज़्यादा। देखो पहले आपने पहले व्लॉग देखे होंगे तो आपको पता होगा, फ़र्क दिख रहा होगा साफ साफ। और मम्मी ने ये खाट भी निकाल रखी है, इस खाट पर भी कभी कभी सो जाता है,
तो हाँ भाई अभी टाइम हो रहा है देखो, 10:15 है, तो अभी फिलहाल मैं इस लोग के करूँगा एडिटिंग। एक कप चाय बना दोगे? तो भाई एक कप चाय भी मिल जाएगी, चाय पी के करेंगे इस व्लॉग की एडिटिंग। और अब देखो मैं रोज रोज व्लॉग डाल रहा हूँ भाई, एक भी दिन ऐसा नहीं है कि व्लॉग नहीं आ रहा। तो व्लॉग को सपोर्ट करो, तुम्हारे छोटे भाई का ही चैनल है। तो भाइयों फिलहाल चाय आ गई है, ये देखो मम्मी पी रही हैं, ऊपर वो ही व्लॉग चल रहा है अभी जो पहले चल रहा था, मैंने उसी वहीं पर पॉज करके रखी हुई है, वीडियो में पूरी देखने वाला हूँ। तो हाँ भाई अच्छी बात है, देखो किसी के सपने पूरे हो रहे हैं। है मम्मी पारस भैया वो ले रहे हैं नहीं कार जीजू के लिए अपने गिफ्ट करने के लिए, लैम्बोर्गिनी उरुस, बहुत तेज भागने वाली गाड़ी है भाई। तो अभी करेंगे इस व्लॉग की एडिटिंग सुबह। भाई मैं टाइमिंग बता देता हूँ, मैं अभी डाल दूँगा इस व्लॉग को, रात के 10 बजे आ जाता है व्लॉग, ये लगा के चलो ठीक है, क्योंकि मैं शाम को ही डाल देता हूँ, क्योंकि फिर सुबह को मेरा स्कूल होता है, तो यार इतना वो हो नहीं पाता है कि टाइम की सुबह को मैं उठ के डाल दूँ। हाँ शेड्यूल पे लगा सकते हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि जब एडिटिंग वगैरह हो गया सब काम हो गया तो अभी डाल देता हूँ, तो इसी वजह से है मम्मी ये भी डालता है। तो सुबह को तो बहुत जल्दी रहे, 7:30 बजे तक स्कूल ही चला जाऊँ। और भाई ये देखो चाय, और आज कैमरा धुंधला धुंधला सा हो रहा है, तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर आपके ब्लॉग अच्छा लगा तो उस ब्लॉग को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, जय हिंद जय भारत। और भाई एक बात हो रहा है, मेरे फ़ोन का जो ये बटन है वॉल्यूम अप डाउन, ये अपने आप ही वर्क करने लगा है, और मेरा फ़ोन ऐसे हो गया है बीच में से फूल से गया है, तो इसका बताना क्या रीज़न है।